हेलो गाइस, आज हम क्लास 8 का सोशल साइंस का जो एग्जाम हुआ है उसकी ऑफिशियली आंसर की देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का आंसर सी हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध। सेकंड में मलेशिया हो जाएगा। थर्ड में सी हो जाएगा, सरकार के तीन अंग। ये ऑफिशियली आंसर की है। फोर्थ में मरुस्थलीकरण हो जाएगा। फिफ्थ का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, राज्यसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 230 होती है। सी ए सी सी और यहाँ पर बी हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ का आंसर यहाँ पे पटसन हो जाएगा। सिक्स का राज्य सरकार हो जाएगा। सेवन्थ का, एट्थ का आंसर यहाँ पे अंगूर की खेती आ जाएगा। नाइन्थ में यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, केवल 1, 2, 4। उसके बाद टेंथ का आंसर यहाँ पे हुगली हो जाएगा। अभी बताया जूट हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा, ग्रेप्स कल्टिवेशन हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ हो जाएगा और हुगली हो जाएगा। इसके बाद इलेवंथ का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ट्वेल्थ का आंसर सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा। ट्वेल्थ का आंसर काजू हो जाएगा यहाँ पे, और फिफ्टीन का आंसर माझा प्रवास हो जाएगा। फोर्टीन का आंसर माझा प्रवास हो जाएगा और फिफ्टीन में सी आंसर संकल्पना सही है, कारण गलत है। सी ए डी सी और सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में शॉर्ट में आंसर देने थे कि एक्स सरकार केवल एक ही स्तर की, तो संघीय व्यवस्था नहीं है, दो स्तर है, और वाई जो सरकार है उसमें संविधान कैसा है, लोकतांत्रिक संविधान है। उसके बाद प्राथमिक क्रियाएं हैं कृषि और व्यापार, यहाँ पे क्या पशुपालन और व्यापार हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज्यसभा का महत्व क्या आ जाएगा, कानून बनाना और भूकंप, और कानून बनाना राज्यसभा का मुख्य काम क्या है, कानून बनाना। भूस्खलन के कारण क्या है, भूकंप, बाढ़ और अत्यधिक वर्षा हो। और जल संग्रहण क्या है, पानी को बचाना, नदी जो छत के ऊपर बारिश का पानी आता है उसे बचाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे आएगा राजनीतिक दल का नाम बताओ, अनुशासन दल, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट है और बहुमत किसे मिलेगा, जिसकी आधे से ज़्यादा मिलकर, अगर तीन दो तीन को मिलाकर आधे से ज़्यादा जब वो वोट मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मतलब जो विपक्ष का बोलेंगे उसको ना। उसके बाद एक बार यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, इंग्लिश में भी एक बार देख लीजिए आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर्स मैं आपको इकट्ठे ही दिखा देती हूँ। हम सेकंड से देख लेते हैं। देखो सेकंड को इस तरीके से आपको लिखना था। थर्ड का पशुपालन कृषि हो जाएगा। फोर्थ का आंसर आप देख लीजिए। फिफ्थ का आंसर देख लीजिए, हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में आप आइडिया लगा सकते हैं। सिक्स का आंसर देखो ये हो जाएगा। सेवन्थ का आंसर आप देख लीजिए। एट्थ का आंसर देख लीजिए, ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखने थे, अथवा हो गया ये। नाइन का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद केस आधारित प्रश्न है, तो फर्स्ट का आंसर 1946 हो जाएगा। सेकंड का हो जाएगा संविधान का निर्माण करना, और थर्ड में किसी भी दो भी देश की आपको बताने इसकी बताने की एक तो सरकार की सभी कार्यों में हिस्सेदारी होती है और सभी को समान माना जाता है। पैराग्राफ में आसानी से आंसर मिल जाएंगे। सेकंड एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्वेश्चन हम समझ चुके हैं। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में 146 आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में का क्या होगा, संविधान बनाना हो जाएगा। इसके बाद 11 में जो फर्स्ट का आंसर पुणे हो जाएगा, सेकंड का यहाँ पे मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री, और थर्ड का आंसर पैराग्राफ में आसानी से लिखा हुआ है। उसके बाद 12 क्वेश्चन में फर्स्ट का आंसर देखो पर्यावरण का, ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक आपको लिखनी थी। सेकंड का स्थलमंडल किसे कहते हैं, यहाँ तक लिखना था, और विषम धरातल स्थलाकृति क्या बनती है, ये बनती है। तो तीनों ही लाइन मैंने अंडरलाइन किया, तीनों क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। इसी तरह से इंग्लिश में देख लीजिए यहाँ पर सेकंड है। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं, विधानसभा आ जाएगा, शासकीय विभाजन आ जाएगा, और दो कार्य आ जाएंगे, जो भी उत्तर क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर्स करना। ये आप 12 क्वेश्चन देख सकते हैं, 13 क्वेश्चन। इसके बाद मैप का क्वेश्चन है, तो वो सॉल्व करते हैं। तो मैप में ये चार पॉइंट पूछे गए थे, दिल्ली, बरेली, लखनऊ और कानपुर, तो यहाँ पे आपको मार्क करना था। तो ये ऑफिशियली मार्किंग स्कीम है, इसी से ही आपके आंसर चेक किए जाएंगे। थैंक यू गाइज़।